स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 57 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल। एडिशन है बुक का 2024। ये जो इलस्ट्रेशन है वो पेज नंबर 4.57 पर गिवन है। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनके नाम है ए एंड बी, जो आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2024 को उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 3,50,000, जनरल रिजर्व दे रखा है ₹1,50,000 और उसके अलावा इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 8 लाख और 4 लाख। एसेट साइड में कैश है 25,000, बैंक है 5,75,000, डेटर्स हैं 50,000, स्टॉक है ₹3 लाख, बिल्डिंग है ₹5 लाख, मशीनरी है 2 लाख और गुडविल पुरानी जो एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में वो है ₹50,000। अब इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इस डेट से सी को नया पार्टनर बनाया गया है। सी को जो प्रॉफिट शेयर दिया गया है वो 1/3 है और जो टर्म्स ऑफ एडमिशन है सी की वो कुछ इस तरह से है कि सी जो है वो कैपिटल लेकर आएगा ₹5 लाख, उसके अलावा वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, अब सी ने जो एक्चुअल में गुडविल कंट्रीब्यूट करी है वो केवल ₹1,20,000 है, यानी उसका हिस्सा तो है 2 लाख मगर वो एक्चुअल में लेकर आया ₹1,20,000। इसका मतलब वो ₹80,000 गुडविल नहीं लेकर आया, इतना वो लेकर आया इतना वो नहीं लेकर आया। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको दे रखा है कि बिल्डिंग और मशीनरी दोनों को ही 5% डेप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग को भी और मशीनरी को भी। तो बिल्डिंग जो है आपकी 5 लाख, उसका 5% हो जाएगा 25,000, तो बिल्डिंग को 25,000 से डेप्रिशिएट करना है। मशीनरी जो 2 लाख है उसका 5% हो जाएगा 10,000, मशीनरी को भी आपको 10,000 से डेप्रिशिएट यानी डिक्रीज करना है। ठीक है बच्चों, स्टॉक को रिवैल्यू करा गया है एट ₹4 लाख। स्टॉक पहले 3 लाख था, अब उसकी रिवैल्यूड वैल्यू है ₹4 लाख, यानी स्टॉक को आपको इंक्रीज करना है 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो बिल्डिंग और मशीन तो कम हो रहे हैं बट स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको बता रखा है कि फर्म के पास जो है फर्म को अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर के बारे में पता चला और अनरिकॉर्डेड फर्नीचर के बारे में पता चला। ठीक है बच्चों, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर तो था ₹75,000 का और अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था ₹45,000 का। और लास्ट पॉइंट दे रखा है कि 1 महीने की सैलरी ₹30,000 अभी देनी बाकी है, तो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में पता चला, एक तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में पता चला। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट्स बनाइए ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ फर्म बनाइए आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के मैंने पॉइंट्स लगभग सारे ही यहाँ पे आपको समझा दिए हैं, अब उनको लिखना कैसे कैसे है मैं समझा देता हूँ। बिल्डिंग और मशीन जो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे इतने इतने अमाउंट से। स्टॉक जो इंक्रीज हो रहा है ₹1 लाख से वो क्रेडिट साइड में आएगा। एसेट कम होती है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है, एसेट बढ़ती है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर और अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का पता चलना एसेट का बढ़ना ही होता है, ये दोनों भी रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब लायबिलिटी का बढ़ना, ये लिखा जाएगा डेबिट साइड में रिवॉल्यूशन अकाउंट के। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में बिल्डिंग मशीन और आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा, क्रेडिट साइड में स्टॉक कंप्यूटर और फर्नीचर आएगा 1 लाख, और ये दोनों जोड़ोगे तो 1,20,000, 2,20,000 से तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा और 45,000 से जो है रिवॉल्यूशन सॉरी 65,000 से रिवॉल्यूशन डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, और जो इनका डिफरेंस है वो रिवॉल्यूशन गेन आ जाएगा बिकॉज रिवॉल्यूशन का क्रेडिट का अमाउंट डेबिट के अमाउंट से ज्यादा है, तो 2,20,000 में से हम लोग 65,000 माइनस कर देंगे, 1,55,000 का हमारा रिवॉल्यूशन गेन आ जाएगा।
जिसको हम बांट देंगे अमंग द पार्टनर्स इन रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, आइए अब रिवोल्यूशन अकाउंट को देख भी लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट एंड फाइनली द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड में आपको क्या क्या लिखना है, बिल्डिंग लिखना है, मशीनरी लिखना है और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना है। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग लिखना है आपको 25,000, मशीनरी लिखना है आपको 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना है आपको 30,000। क्रेडिट साइड में आपको स्टॉक लिखना है, कंप्यूटर लिखना है जो अनरिकॉर्डेड था और फर्नीचर लिखना है जो अनरिकॉर्डेड था। स्टॉक लिखना है 1,00,000, कंप्यूटर लिखना है 75,000 और फर्नीचर लिखना है 45,000। क्रेडिट साइड का टोटल 2,20,000 आएगा, डेबिट साइड का आपका आएगा 65,000, जो बड़ा टोटल उसको दोनों तरफ लिख दीजिए 220, और जो डिफरेंस है वो गेन आ जाएगा 1,55,000 इनका डिफरेंस। उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में, तो 93,000 ए का आ जाएगा, 62,000 बी का आ जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले पुराने पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का वो लिखेंगे 8,00,000 और 4,00,000। ठीक है बच्चों, ये ए और बी का हो जाएगा। सी जितनी कैपिटल लेकर आया है उसको बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, जो कि लाया है 5,00,000। अब सी जो है 1,20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, तो जितना प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से बांटिए। इनके ओल्ड रेशियो को ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो 1,20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 72,000 ए के हिस्से में आएगा, 48,000 बी के हिस्से में आएगा। जितना गुडविल सी लेके नहीं आया उसको सी के करंट अकाउंट से ले लीजिए बच्चों, वो 80,000 नहीं लेकर आया था एज गुडविल, तो उसको भी 3:2 के रेशियो में इन लोगों में बांट दीजिए 48,000 और 32,000। अब ये जो सी का करंट अकाउंट है इसको बाद में बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखना मत भूलिएगा। जब भी हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं जब वो गुडविल नहीं लेकर आता, तो ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट जब बनाई जाती है वहां एसेट साइड शो किया जाता है विद ₹80,000 इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो रिवोल्यूशन का आपका गेन है उसको लिख दीजिए बच्चों, तो रिवोल्यूशन का गेन आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में, लॉस होता तो डेबिट साइड में आता। रिवोल्यूशन गेन आया था 1,55,000, जिसमें 93 ए के हिस्से में आया था, 62 बी के हिस्से में। उसके बाद फाइनली आपको बच्चों जो बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें लिखी हैं उनको बांटना है। एक है आपका जनरल रिजर्व, ये आपका प्रॉफिट ही होता है तो आपस में पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है इसको। ये आएगा 90,000 ए का और 60,000 बी का, इसका टोटल अमाउंट है 1,50,000। ऐसी जो एसेट साइड में पुरानी गुडविल दे रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल उसको राइट ऑफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 30,000 ए का और 20,000 बी का, इसका अमाउंट था टोटल 50,000। तो इस तरह से आपको बच्चों कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डिंग करनी है, पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लिखना है, फिर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिखना है, फिर जितना नया पार्टनर गुडविल लेकर आया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, जितना नहीं लेकर आया उसके करंट अकाउंट के नाम से, पुराने पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। और ये हमने यहाँ पे 3:2 को ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिया है जो उनका ओल्ड रेशियो था। फिर रिवोल्यूशन का गेन लिखिए और फाइनली जो बैलेंस शीट के अंदर बांटने वाली चीजें हैं, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व था और एसेट साइड में पुरानी गुडविल, उनको लिख दीजिए। अब इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 8,00,000 और ये 120 हो जाएगा, तो 8,00,000 और 120 हो गया बच्चों 920 और 180 हो गया आपका 11,00,000। 11,00,000 3,000 में से आपको 30,000 माइनस करना है, तो 10,73,000 आ जाएगा ए का क्लोजिंग बैलेंस। 10,73,000 तो टोटल है उसका क्लोजिंग बैलेंस है, टोटल आएगा 11,03,000। ठीक है बच्चों, 11,03,000। बी का 480 और 122, तो ये आ जाएगा 6,02,000
6,02,000 में से आपको 20,000 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 5,82,000। 6,02,000 टोटल लिख लीजिए। सी का क्लोजिंग बैलेंस 5,00,000 आएगा, टोटल भी उसका 5,00,000 आएगा। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो बच्चों जो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 5,75,000, उसको लिखिए डेबिट साइड में। उसके बाद जो सी कैपिटल लेकर आया है उसको भी लिखिए डेबिट साइड में, और जितना प्रीमियम सी लेकर आया है उसको भी लिखिए डेबिट साइड में। वो रुपीज 1,20,000 ही प्रीमियम लेकर आया था। उसके अलावा कोई और फर्दर कैश या कोई फर्दर पैसा बिजनेस में नहीं आया है, ना ही बिजनेस से निकाला गया है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगा बैंक 5,00,000 और 5,75,000 हो गया 1,075 और 120 हो गया 1,195। तो क्लोजिंग बैलेंस भी आपका 11,95,000 आ जाएगा जितना उसका टोटल है। इस तरह से हमारा बच्चों बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं ऑफ द न्यू फर्म। तो जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी तो उसमें क्रेडिटर्स तो आपके एज इट इज आ जाएंगे जितने पहले दे रखे थे रुपीज 3,50,000। जनरल रिजर्व अब आएगा नहीं, और एक नई लायबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो आ जाएगी रुपीज 30,000। उसके अलावा कैपिटल्स ए बी और सी के नए वाले जो बैलेंसेज आएंगे वो लिखेंगे। सी का तो है 5,00,000, बी का है 5,82,000 और ए का है 10,73,000। ठीक है बच्चों, 10,515 और 5,20,00,000 तो यही हो गया 21,50,000, 21,55,000। तो 21,55,000 इन तीनों की कैपिटल का टोटल आ गया बच्चों। लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में आपको जो कैश एट बैंक है वो लिखना है नया वाला, जो कि आएगा 11,95,000। कैश इन हैंड को एज इट इज लिखिएगा 25,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको जो है स्टॉक को उसकी नई वैल्यू के साथ लिखना है। 3,00,000 पहले था, 1,00,000 बढ़ा दिया तो आएगा 4,00,000। उसके बाद आपको जो डेटर्स है उनको एज इट इज लिखना है 50,000, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद आपका जो बिल्डिंग थी उसमें 25,000 कम करके लिखिएगा 4,75,000। ऐसे ही जो मशीनरी है उसमें 10,000 कम करके लिखिएगा 1,90,000। और जो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर आया था वो लिखिएगा, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जो आया था वो लिख दीजिए बच्चों। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था 75,000, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 45,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो टोटल है बैलेंस शीट का दोनों साइड का वो बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं कितना आएगा। 21,55 में 3,50,000 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25,05,000, और 30 और जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 25,35,000। ठीक है बच्चों, यहां भी चेक कर लेते हैं। 11,95 प्लस 25 होता है 12,20,000, 12,20,000 और 4 16,20,000 और 50 16,70,000 16,70,000 यहाँ आ गया। 20,70,000, 21,45,000, 23,35,000। ठीक है बच्चों, और उसमें 120 और जोड़ दीजिए तो ये आप जोड़ेंगे तो इस तरह से पूरा ये 25,35,000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 25,000 प्लस 11,95,000 होता है आपका 12,20,000। 4,00,000 और जोड़ेंगे तो ये 16,20,000 हो जाएगा। 16,70,20,70, 21,45, 23,35। ठीक है बच्चों, और 120 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24,55। हाँ बच्चों, ये 24,55 आ रहा है, एग्जैक्टली 25,55 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज लिखना रह गई है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सी का करंट अकाउंट जो कि आएगा रुपीज 80,000। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, फिलहाल मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ सी इज करंट अकाउंट। तो नया पार्टनर जितनी गुडविल कैश में लेके नहीं आता है उसको आपको करंट अकाउंट से उसके लेना होता है, और ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो भी करना होता है।
तो मेरा टोटल दैट्स व्हाई 2455 आ रहा था, बिकॉज मैंने ये सी का करंट अकाउंट एसेट साइड में नहीं लिखा था रुपीज 80,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इस बात का खास ध्यान रखिएगा बच्चों कि जितनी गुडविल नया पार्टनर नहीं लेकर आया है उसको उसके करंट अकाउंट से डेबिट किया जाता है, और फिर वो करंट अकाउंट जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है।